हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने इस ऑनलाइन कोचिंग बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो हम ये वीडियो लेके आए हैं जो आज दिनांक 6 तारीख को संडे को आज अगस्त को 6 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर्स के लिए, तो हम उसके लिए जो उसमें जो क्वेश्चन आए हैं मॉर्निंग के शिफ्ट में, तो हम उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो लेके आए हैं मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, हमने पूरा प्रयास किया है कि कम से कम गलतियां हो, फिर भी यदि कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, और हमारे इस पेज को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और जो हमारी वीडियोज़ हैं उनको अपने फ्रेंड्स में शेयर करो इस वीडियो को, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हौसला बढ़ सके, और पेज को सब्सक्राइब भी कर लो। तो पहला क्वेश्चन था आज का, युआन किस देश की मुद्रा है? तो चाइना की। हरियाणा कौशल विकास किस विभाग से रिलेटेड है? टेक्निकल विभाग से। विक्रमादित्य अवार्ड किसको दिया जाता है? श्रेष्ठ अधिवक्ता को। ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है? तो चाय को। देखो, जो युआन है वो चाइना की है, हमने डिस्कस कर चुके हैं। हरियाणा कौशल जो टेक्निकल विभाग से है, ग्रीन गोल्ड चाय को बोला जाता है। गौ संरक्षण का कानून 2015 में बना। मुख्यमंत्री विवास योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? 41,000। हरिश्चरित किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा हरिश्चरित की रचना की गई, जो कि हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी देता है। और मुख्यमंत्री वास्कुन योजना में जो 41,000 रुपये मिलते हैं, उसके लिए हमें क्या है, ऑनलाइन आवेदन है वो करना पड़ता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए क्या नंबर है? तो 1091। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है ये आपका। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपको पता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपका चाइना है, और दूसरे नंबर पर किसका नंबर आता है? ग्रेट इंडिया का। बावल जो है वो किस उद्योग क्षेत्र किस जिले में आता है? बावल रेवाड़ी के अंदर। लोकनायक पंडित लक्ष्मीचंद की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी? वो अनपढ़ थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे कौन सा वाक्य अंकित है? सत्यमेव जयते। लोकनायक के बारे में, पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में बोला जाता है कि जब भी वो तख्त पे आते थे सांग करने के लिए, तो पता नहीं उनमें एक अद्भुत शक्ति आ जाती थी। नेक्स्ट है, हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय कहाँ अंकित की जाती है? सभी जगह अंकित की जाती है, वो सभी ऑप्शन ठीक हैं। हरियाणा में सांझी क्यों मनाई जाती है? ताकि किसानों को अच्छी फसल मिल सके, किसानों की उन्नति हो सके। भारत के मिसाइल तकनीक के पिता कौन हैं? तो हमारे जो पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, कलाम जी। पिंग पाटड़ी का संबंध किस से है? पिंग पाटड़ी सावन से रिलेटेड है, ये सावन के महीने में। नसीबपुर नालनोट किस रूप में जाना जाता है? तो 1857 की क्रांति के रूप में ये जाना जाता है। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरानियन रियाल। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। ऑस्ट्रियोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? ऑस्ट्रियोलॉजी में बोन्स का, हड्डियों का। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है? नू में है, और दोस्तों मेवात का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? नू ही कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके अलावा जो हरियाणा का महेंद्रगढ़ है, उसका मुख्यालय कहाँ है? नारनौल में। गौकर्ण तालाब कहाँ स्थित है? तो गौकर्ण तालाब आपका रोहतक में स्थित है। भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाखड़ा नहर किस नहर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? नरवाणा के पास उचाणा, तो जींद डिस्ट्रिक्ट से ये बाखड़ा नहर प्रवेश करती है। अरावली पर्वत कहाँ नहीं है? तो ऑप्शंस में जो अम्बाला ऑप्शन है, अम्बाला में अरावली नहीं है, बल्कि अम्बाला में क्या है? शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। तुंगभद्रा बांध किस नदी पे है? कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा पे, कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा पे। हालांकि देखते हैं क्या ऑप्शन होता है इसमें। गंगा की स्तुति में रचित गंगा तेरे खेत में किसके द्वारा गाया गया? पंडित लक्ष्मीचंद। दूसरे के थाली में घी घड़ा लागे से का अर्थ है दूसरे का जीवन सुख नहीं लगना। 1 करोड़ रुपये जीतने वाला मौसम खतरे का संबंध है? कुश्ती से। ये गलत लिखा गया है दोस्त, इसको आप ठीक कर लेना, कुश्ती से। फेसबुक की खोज की थी मारक जुकरबर्ग ने, जो कि हर जो समुदाय का लोग अच्छी तरीके से जानता होगा। सबसे अधिक सैनिक और अधिक रेवाड़ी जिले के किस गांव से है? सबसे अधिक सैनिक और अधिकारी कोसली से है। गैस लाइटर में जो गैस प्रयोग की जाती है वो गैस कौन सी होती है? आपकी ब्यूटेन्स होती हैं। और आपको पता, लास्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित मानसरोवर कौन सा है?
तो आपका कौन सा है, कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों ये कुछ जीके और हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी, और कुछ गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में, किसी का आंसर गलत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं, आपका स्वागत है। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे इस फेसबुक जो ये चैनल है, यूट्यूब चैनल है बालाजी कोचिंग क्लासेस, इसको ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स।